इस समय पूरे देश में ब्लैक फंगस के कुल मामलों की संख्या है 7,250 और इस बीमारी से 219 लोगों की मौत पिछले कुछ दिनों में हुई है। ब्लैक फंगस यानी कि कोरोना के संक्रमण के साथ ये बीमारी भी गंभीर चिंता का विषय बन गई है और इसलिए आज हम इस बीमारी का संपूर्ण विश्लेषण आपके लिए करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको इस बीमारी से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट बता देते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहां कुल मामलों की संख्या लगभग 1500 है। मौतों का आंकड़ा भी 100 पहुंचने वाला है महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर गुजरात, जहां ब्लैक फंगस के 1163 मरीज मिले हैं। 61 लोगों को की इससे मौत हुई है। फिर इस सूची में तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। वहां कुल मामले 574 हैं और इसमें मौतें हुई हैं 31। इसके अलावा हरियाणा में ब्लैक फंगस के 268 मरीज मिले हैं और 8 मौतें हुई हैं। दिल्ली में से मौत तो एक हुई है लेकिन मरीजों की संख्या बढ़कर 203 हो गई है। बाकी राज्यों का क्या हाल है ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। देश में ब्लैक फंगस का बढ़ता खतरा, और आप ये आंकड़े चिंताजनक क्यों है ये जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, किस राज्य में कितनी मौतें? तेलंगाना में 10, म्यूकोर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस इस प्रकार का इन्फेक्शन है यानी कि संक्रामक रोग है जैसे कोरोना वायरस है। यह संक्रमण म्यूकर नाम के फंगस की वजह से होता है, म्यूकर, इसलिए इसे म्यूकोर माइकोसिस और ब्लैक फंगस कहते हैं। देखिए, डॉक्टर्स का कहना है कि वैसे तो यह फंगस हर जगह होता है, जैसे हवा में, धूल में, मिट्टी में भी यह फंगस पाया जाता है। इसके अलावा एक स्वस्थ इंसान की नाक और बलगम में भी ये फंगस मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये फंगस पहले से हमारे आसपास और शरीर में मौजूद है तो फिर इस बार ये नुकसान क्यों पहुंचा रहा है, ये तो पहले से है। तो इस सवाल का जवाब इसको लेकर कई स्टडीज और रिसर्च में है। इन सभी अध्ययनों में ये कहा गया कि आमतौर पर यह फंगस नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो इसे रोक कर रखता है। ऐसे आप ऐसे समझिए कि एक बड़ा सा दफ्तर है और उस कंपनी के चारों तरफ खतरे को देखते हुए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है। जब कोई हमलावर इस कंपनी के दफ्तर में घुसने की कोशिश करता है तो सुरक्षाकर्मी उसे पकड़ लेते हैं, बाहर रोक देते हैं। यही काम हमारा इम्यून सिस्टम करता है। वो इस फंगल की पहचान करता है, फिर अलर्ट हो जाता है और फिर यह फंगस एक स्वस्थ शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, इम्यून सिस्टम। लेकिन सोचिए, अभी हमने जो आपको उदाहरण बताया उसमें सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होती तो क्या होता? तो ऐसी स्थिति में वो हमलावर दफ्तर के अंदर घुस जाता यानी कि आपके शरीर में नुकसान पहुंचाता और यही फंगस करता है। दरअसल जब किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो इस फंगस के लिए शरीर पर हमला करना आसान हो जाता है और कोरोना से रिकवर हो चुके मरीजों में यह इसलिए प्रभावी नजर आ रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि ये पूरी बीमारी क्या है, लेकिन ये कैसे होती है, इसके लक्षण क्या हैं और कैसे आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, पहले आपको वो बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ एक वर्चुअल कार्यक्रम में कहा कि कोरोना काल में ब्लैक फंगस की बीमारी नई चुनौती लेकर आई है और इससे समय रहते निपटना बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने इस पर और क्या क्या बातें कही हैं, पहले वो आपको सुनाते हैं। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। साथियों, सेकंड वेव के दौरान प्रशासन ने जो तैयारियां की है उन्हें केस घटने के बाद भी हमें इसी तरह चुस्त दुरुस्त रखना ही है। साथ ही लगातार
आंकड़ों और स्थितियों पर भी नजर रखनी है। जो अनुभव आपको बनारस में मिले हैं उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ पूरे पूर्वांचल और पूरे प्रदेश को भी मिलना चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे जो डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स हैं वो अपने अनुभवों को अपनी फ्रेटर्निटी में जरूर साझा करें। प्रशासन के लोग भी अपने अनुभवों और इनपुट्स को सरकार तक पहुंचाएं ताकि आगे इनका और व्यापक लाभ मिल सके, अन्य क्षेत्रों में भी आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस पहुंचा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्लैक फंगस को चुनौती क्यों मान रहे हैं, इसे आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। पहले भारत में हर वर्ष ब्लैक फंगस से जुड़े औसतन 8 से 10 मामले दर्ज होते थे, 8 से 10। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में यह आंकड़ा 7,000 के पार चला गया है। आशंका यह है कि यह संख्या 10,000 के पार होगी, यानी कि ब्लैक फंगस का संक्रमण अभी थमने वाला नहीं है और इसी वजह से कई राज्यों ने इसे नोटिफाइबल डिजीज घोषित कर दिया है। एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 के तहत नोटिफाइबल डिजीज उस बीमारी को कहते हैं जिसमें किसी भी राज्य के सभी अस्पतालों को, यानी कि सरकारी और प्राइवेट दोनों को, इससे जुड़े सभी मामलों को रिपोर्ट करना होता है। नोटिफाइबल डिजीज नोटिफाई करना होगा और सारी जानकारी राज्य सरकारों के संबंधित विभाग को दी जाती है। अब तक 8 राज्य, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और पंजाब ऐसा कर चुका है, नोटिफाइबल डिजीज में इसको डाल चुका है। यानी कि इन राज्यों ने अब इस बीमारी से जुड़े सभी मामले राज्य सरकारों को रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इस बीमारी में किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा रहता है, अब आपको यह बताते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR के मुताबिक ब्लैक फंगस की बीमारी उन लोगों पर अटैक करती है, हमला करती है, जो किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण दवाइयां ले रहे हैं और इन दवाइयों की वजह से उनकी इम्यूनिटी, यानी कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। यह फंगल इंफेक्शन नाक से शुरू होता है, फिर आंखों में पहुंचता है और फिर दिमाग तक जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है उन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, खासकर जिन लोगों को डायबिटीज यानी कि शुगर है। एक स्टडी में बताया गया कि जिन लोगों में डायबिटीज अनियंत्रित होती है उन लोगों को ब्लैक फंगस का खतरा अधिक होता है, खासकर ऐसे मामलों में जब डायबिटीज के किसी मरीज को कोरोना हुआ हो और कोरोना के बाद संभव है उसे फंगल इंफेक्शन हो जाए। इसके अलावा ICMR के मुताबिक जो मरीज काफी समय तक ICU में रहे हैं उन्हें ब्लैक फंगस हो सकता है। अगर आप किसी गंभीर बीमारी का शिकार हैं और ट्रांसप्लांट या फिर किसी और स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो यह फंगल इंफेक्शन हो सकता है। किसी भी अंग की ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद यह इंफेक्शन हो सकता है। और ध्यान से सुनिएगा, जो लोग स्टेरॉइड्स का अधिक सेवन कर रहे हैं ना, उन्हें भी यह इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, संभावना है। और इस समय ब्लैक फंगस के जितने भी मरीज मिल रहे हैं उनमें अधिकतर या तो डायबिटिक हैं या वो लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए थे और इस दौरान उन्होंने स्टेरॉइड दवाइयां ली। असल में जब कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो शुरुआत में ही मरीजों को स्टेरॉइड लेने की सलाह दी जाती है और मरीज कोरोना से बचने के लिए स्टेरॉइड का अधिक सेवन करते हैं, अधिक सेवन, और फिर स्टेरॉइड ब्लैक फंगस का कारण बन जाते हैं। समझिए इसको, ICMR के मुताबिक संक्रमण होने के छह दिन तक स्टेरॉइड दवाइयां नहीं खानी चाहिए। लेकिन अभी इन दिशा निर्देशों की अनदेखी हो रही है या लोग लापरवाही कर रहे हैं। एक स्टडी में बताया गया कि कोरोना के 80% मरीजों को स्टेरॉइड की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हमारे देश में इस समय कोरोना के अधिकतर मरीज ऐसे हैं जो बिना जरूरत के ही और बिना डॉक्टर्स की सलाह के स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे हैं। अब आपको यह बताते हैं कि अगर ब्लैक फंगस हो गया
तो इसके लक्षण क्या हैं? सबसे जरूरी, आप चाहें तो पेन और पेपर लेकर यह जानकारी नोट भी कर सकते हैं। लक्षण, सिम्टम्स नोट कर लीजिए। पहला लक्षण, साइनस की परेशानी, नाक का बंद हो जाना, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, दांतों का अचानक टूटना या आधा चेहरा सुन्न पड़ जाना। तीसरा लक्षण, नाक से काले रंग का पानी निकलना या खून बहना। चौथा लक्षण नोट कर लीजिए, आंखों में सूजन और धुंधलापन। यही नहीं, कई मामलों में मरीज की आंखों की रोशनी तक चली जाती है। पांचवा लक्षण, सीने में दर्द उठना। छठा लक्षण, सांस लेने में तकलीफ होना। और सातवा, बुखार रहना। अब बड़ी बात यह है कि म्यूकोर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस की बीमारी में मृत्यु दर 50% तक होती है। यानी कि मान लीजिए कि अगर 100 लोगों को यह बीमारी हुई तो 50 लोगों की मौत होगी, यह निश्चित माना जा रहा है, 50%। जबकि कोरोना वायरस की मृत्यु दर पूरी दुनिया में 2% बताई जाती है, मतलब 100 लोगों को कोरोना हुआ तो 2 लोगों की मौत होगी। कहने का मतलब यह है कि यह फंगल इंफेक्शन कोरोना के संक्रमण से भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस बीमारी के इलाज में एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन काफी प्रभावी है। हालांकि अब इस दवा की भी कई राज्यों में कमी होने लगी है। इस समय महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा 1500 मामले हैं। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से एम्फोटेरिसिन बी की 1.5 लाख वायल्स मांगी हैं, जबकि दावा है कि मिली सिर्फ 16,000 है। इसके अलावा दिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ने भी कहा है कि उनके पास भी इस दवा की कमी है, जबकि केंद्र सरकार ने इसके उत्पादन को बढ़ाने की बात कही है। भारत सरकार का कहना है कि जून महीने तक देश में इस दवा की 5,70,000 वायल्स मौजूद होंगी। जून महीने तक 5,70,000 वायल्स। इसके अलावा जुलाई महीने तक देश में इस दवा की 1,11,000 वायल्स का हर महीने उत्पादन हो सकेगा। यानी कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के बाद अब इस दवा ने नई चुनौती देश के सामने खड़ी कर दी है। हालांकि आप कुछ बातों का ध्यान रखते हुए ब्लैक फंगस से बच सकते हैं। ये सलाह क्या है, आप उसको नोट कर सकते हैं। देखिए, पहली सलाह ध्यान से सुनिएगा, कोरोना से ठीक होने के बाद अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहें और इसे नियंत्रित रखें। दूसरी सलाह, डॉक्टर की सलाह के बाद ही स्टेरॉइड का उपयोग करें, सबसे जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट। तीसरी सलाह, एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवाइयों का उपयोग कैसे करना है इस पर भी डॉक्टर्स की सलाह जरूर लें। चौथी सलाह, ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ह्यूमिडिफायर में साफ पानी का ही इस्तेमाल करें। पांचवी सलाह, ब्लैक फंगस के लक्षण दिखने पर इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयों को बंद कर दें, ये सबसे जरूरी है, नोट कर लीजिए। छठी सलाह, इसके इलाज के लिए अपने शरीर को हाइड्रेट रखें, यानी कि पानी की कमी बिल्कुल मत होने दें। ये रंग भी बदल रहा है, ब्लैक फंगस के अलावा व्हाइट फंगस भी आ गया है और इससे भी आपको सावधान रहना है। आज हमने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें डॉक्टर्स की सलाह, इस बीमारी से बचाव और कोरोना होने पर क्या करना है, ये तमाम जानकारियां हैं। ये आप इस रिपोर्ट को देखिए, हम चाहते हैं कि दूसरे लोगों को सावधान करने के लिए इस रिपोर्ट को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। देश कोरोना वायरस की तीसरी लहर से पहले एक नई चुनौती से जूझ रहा है। अचानक देश में फंगल इन्फेक्शन म्यूकर माइकोसिस के मामले बढ़ गए हैं। इसके पीछे बहुत से कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें शरीर की इम्यूनिटी का कमजोर होना और इसके अलावा स्टेरॉइड्स का बेवजह इस्तेमाल भी एक कारण बन रहा है। हमारी टीम ने एक लैब में जाकर ये जानने की कोशिश की
कि कोविड के बाद सबसे ज्यादा टेस्ट किन बीमारियों के हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की मुश्किलों से जूझ रहे हैं, टेस्ट कराने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि कौन से टेस्ट कराए जाएं, कौन से नहीं कराए जाएं। इसलिए आज हम आपको एक लैब में लेकर आए हैं जहां तमाम तरह के टेस्ट हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कौन से टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि आपको कब कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। वायरस तो चला जाता है, पर वायरस जाने के बाद अपनी छाप छोड़ जाता है। स्पेसिफिकली अभी करंटली हम देखें तो वैरायटी ऑफ केसेस आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि कोरोना वायरस सिर्फ लंग्स को अफेक्ट करता है। ये सिर्फ लंग्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है, सबसे ज़्यादा इसमें जो अभी देखा जा रहा है ये क्लॉट फॉर्मेशन करता है, मतलब ये थक्का जमाता है। अब वो क्लॉट फॉर्मेशन कहीं भी अगर आपके वो ब्रेन में गया तो आपको उस तरह से स्ट्रोक आएगा। स्कैन आपके हाथ में है, ये भी लंग्स के अलावा अफेक्ट कर रहा है। ये लंग्स के अलावा जैसा अभी हम सुन रहे हैं म्यूकर माइकोसिस भी, इस तरह के केसेस भी अभी इनमें भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे केसेस भी रेडियोलॉजिकली काफी देखे जा रहे हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो है ब्रेन स्ट्रोक के केसेस भी आ रहे हैं। सीआरपी टेस्ट है, एक डी डाइमर टेस्ट है। सीआरपी आपके इन्फ्लामेशन को बताता है और डी डाइमर टेस्ट आपके क्लॉट होने के चांस को बताता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं हार्ट का बेसिक इवैल्यूएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर की एक सिंपल टेस्ट ईसीजी और आपका एक इकोकार्डियोग्राफी जो हार्ट के अंदर कोई इन्फ्लामेशन है या हार्ट का फंक्शन ठीक है कि नहीं उसके लिए किया जाता है। तो ये बेसिक आपके चार टेस्ट हो गए। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी इस तरह का सिम्टम है, आपको स्लरिंग ऑफ वॉइस है, आपको किसी तरफ नंबनेस लग रही है, वीकनेस, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके आपको MRI ब्रेन कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, तो आप अपने लक्षणों को पहचानिए और उसके आधार पर तय कीजिए। अगर आपको चेस्ट में हैवीनेस लगती है, पहले हार्ट डिजीज की हिस्ट्री रही है, दिल कमज़ोर रहा है, या आप पहले से हार्ट की बीमारियों पर हैं, तो फिर आपको हार्ट से रिलेटेड टेस्ट कराने हैं। जैसा कि अभी लक्षण बताए गए, अगर आपको किसी भी एक हिस्से में कमजोरी लगती है, अपने ब्रेन को चेक कराएं, लेकिन डॉक्टर से सलाह लेने के बाद। कोरोना वायरस से ठीक हो चुके मरीज जब अपने टेस्ट के लिए पहुंच रहे हैं तो कई मरीजों में म्यूकर माइकोसिस का पता चल रहा है। इसका एक बड़ा कारण शुरुआती चरण में ही स्टेरॉइड्स देने को माना जा रहा है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए कई मरीजों को पहले दिन ही स्टेरॉइड लेने की सलाह दे दी जाती है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक स्टेरॉइड एक दोधारी तलवार है। अगर सही समय पर इसका इस्तेमाल किया जाए तो कोरोना वायरस का मरीज ठीक हो सकता है, लेकिन अगर इसे बिना जरूरत दे दिया जाए तो इसके बहुत से ऐसे नुकसान हैं जो किसी को जीवन भर भी झेलने पड़ सकते हैं। माइल्ड सिम्टम्स जब होते हैं, और वो पहला यूजली एक हफ्ता होता है, उसमें अगर हम गलती से स्टेरॉइड दे दें तो हम वायरस को और बॉडी को हम सप्रेस करेंगे और वायरस बुरी तरह से मल्टीप्लाई होकर और नुकसान देगा। तो ये हम जब सेकेंड फेज होता है, जब लोग जो 10-15% जो सीवियर हो जाते हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही होती है, जो कि दूसरे हफ्ते में होते हैं, उनमें लंग्स में इन्फ्लेमेशन होती है, लंग्स खराब होने शुरू हो जाते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, तब स्टेरॉइड का रोल आता है। और वो भी हम देख रहे हैं कि अगर हम बड़े हाई डोज देते हैं तो शायद फ़ायदा नहीं, नुकसान कर सकते हैं ड्यूरिंग द वायरल रेप्लिकेशन फेज बिफोर इट इज़ नीडेड, तो उससे नुकसान हो रहा। और एक हाई डोज स्टेरॉइड जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन पे चलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, तो जो म्यूकोरमाइकोसिस, जो ब्लैक फंगस जैसी अपॉर्चुनिस्ट फंगल इन्फेक्शंस हैं, जो कि स्पोर्स हवा में ही घूम रहे हैं, वो जब ऐसे पेशेंट्स इम्यूनोसप्रेस्ड हो जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है, ऐसे पेशेंट्स सीवियर भी होते हैं, उनको हाई डोज स्टेरॉइड्स के अलावा टॉसिलिजुमैब जैसी दवाइयाँ दी गई होती हैं जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, तो इनको ज़्यादा वो हो जाती है वल्नरेबिलिटी टूवर्ड्स दीज फंगल स्पोर्स, जो कि एयर पैसेजेस में ही अफेक्ट होके वहीं पर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। स्टेरॉइड्स के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से मांसपेशियां कमजोर पड़ सकती हैं और ब्लड शुगर अनियंत्रित हो सकता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस के पीछे भी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल एक बड़ी वजह बना है। जिस तरह बुखार होने पर आप घर में बैठकर बुखार की गोली खा लेते हैं और बहुत लोग बिना डॉक्टर से पूछे दवाएं ले लेते हैं, कोरोना के इलाज में कुछ यही हाल स्टेरॉइड दवाओं का भी हो गया है। हो सकता है स्टेरॉइड से आपको कुछ देर के लिए कोरोना वायरस में फ़ायदा मिल जाए, लेकिन आपको लंबे समय तक, कई सालों तक, कई दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए दवाएं लेनी पड़ जाएं। इसीलिए किसी समझदार डॉक्टर की देखरेख में ही स्टेरॉइड का इस्तेमाल करें। आधे से ज़्यादा लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
पूजा मक्कड़, जी मीडिया दिल्ली।